अंडा खाना बेहद फायदेमंद होता है, यह तो हम जानते ही हैं। लेकिन ठंड में इसका सेवन करना और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि हमें सर्दियों में रोजाना कितने अंडे खाने चाहिए और इसे खाने से हमें क्या क्या फायदे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, गर्मियों के दिनों में बहुत से लोगों को अंडे खाने से उनके चेहरे पर दाने निकल आते हैं या उन्हें डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठंड में आप इसे आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम सर्दियों में रोजाना 3 से 4 अंडे खा सकते हैं, जिसे खाने से हमारा शरीर सेहतमंद बना रहेगा। अंडा प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। ठंड के मौसम में सुबह नाश्ते में 2 से 3 अंडे का सेवन करें, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं और हमारा शरीर गर्म रहता है, जिससे हमें सर्दी जुकाम बुखार की खतरा कम रहता है। अंडा खाना हमारी आंखों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। प्रतिदिन 2 से 3 अंडे खाने से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। अंडे के पीले वाले भाग में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसे खाने से हमारे शरीर में थकावट महसूस नहीं होती और खून की कमी दूर हो जाती है। अंडे में ऐसे पोषक तत्व तो होते हैं जो हमारे दिमागी विकास के लिए भी फायदेमंद होता है और हमारे याददाश्त को तेज बनाने में मदद करता है। अंडे में ऐसे पोषक तत्व तो होते हैं जो हमारे दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आप अपना वजन नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो अंडे का सफ़ेद वाला भाग का सेवन करें, यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अंडा प्रोटीन और विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, जो हमारे नाखूनों और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। सुबह नाश्ते में अंडे का सेवन करने से हमारी शरीर में दिन भर के लिए एनर्जी बनी रहती है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।